चैप्टर नंबर फोर आर्टिकल्स इन इंग्लिश ग्रामर अ एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल्स। इंग्लिश ग्रामर में तीन आर्टिकल हैं अ एन और द। दे आर कॉल्ड आर्टिकल्स इन इंग्लिश ग्रामर। द फर्स्ट लाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट शुड बी कैप्ट इन माइंड। अ एन और द, दे आर कॉल्ड आर्टिकल्स इन इंग्लिश ग्रामर। एज ए जनरल रूल वी यूज द व्हेन इट इज क्लियर फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट विच पर्सन और थिंग वी मीन। जब हम कॉन्टेक्स्ट में किसी पर्सन या थिंग के बारे में स्पेसिफिक हैं या पर्टिकुलर पर्सन या पर्टिकुलर थिंग के बारे में बात कर रहे हैं, वहाँ पर आर्टिकल द का यूज़ किया जाता है। वी यूज़ अ और एन व्हेन वी डू नॉट रेफर टू एनी पर्टिकुलर पर्सन और थिंग। जब किसी पर्टिकुलर पर्सन या पर्टिकुलर थिंग के बारे में बात नहीं की जाती है, वहाँ पर अ या एन का यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल्स, हियर इज एन एलिफेंट, आई लाइक द बुक यू गेव मी। इन दीज टू एग्जाम्पल्स वी हैव टू आइडेंटिफाई द आर्टिकल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, इन द फर्स्ट सेंटेंस द वर्ड एन इज एन आर्टिकल एंड इन द सेंटेंस नंबर टू द वर्ड द इज एन आर्टिकल। इटैलिसाइज वर्ड्स आर आर्टिकल हियर। नाउ हियर इज एन एलिफेंट, व्हेन वी से दिस सेंटेंस इट मीन्स हियर इज एन एलिफेंट, नॉट अ पर्टिकुलर, नॉट अ स्पेसिफिक एलिफेंट, जस्ट एनी एलिफेंट, कोई सा भी हाथी। आई लाइक द बुक यू गेव मी, यहाँ पर एक ख़ास पर्टिकुलर या स्पेसिफिक बुक के बारे में बात की जा रही है, किसी और बुक के बारे में नहीं, वही बुक जो तुमने मुझे दी थी। आई लाइक द बुक यू गेव मी। सो डेफिनेशन वुड बी अ और एन इज कॉल्ड द इनडेफिनिट आर्टिकल्स। इंग्लिश ग्रामर में अ और एन, इन दोनों को इनडेफिनिट आर्टिकल की कैटेगरी में रखा गया है, बिकॉज इट लीव्स इनडेफिनिट द पर्सन और थिंग स्पोकन ऑफ। जिस पर्सन या थिंग के बारे में बात की गई है, उन्हें ये इनडेफिनिट रखते हैं, यानी उनके बारे में कोई पर्टिकुलर या स्पेसिफिक जानकारी नहीं मिलती है। इस वजह से अ और एन, ये दोनों ही इनडेफिनिट आर्टिकल्स कहलाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अ डॉक्टर मीन्स एनी डॉक्टर, नॉट ए पर्टिकुलर, नॉट अ स्पेसिफिक डॉक्टर, कोई ख़ास डॉक्टर नहीं, कोई सा भी डॉक्टर, हर डॉक्टर, जो भी डॉक्टर है उसके बारे में बात की जा सकती है, अ डॉक्टर जब हम कहते हैं। और द इज कॉल्ड द डेफिनेट आर्टिकल, द को डेफिनेट आर्टिकल कहा गया है, बिकॉज इट पॉइंट्स आउट सम पर्टिकुलर पर्सन और थिंग, क्योंकि ये किसी ख़ास और पर्टिकुलर पर्सन या थिंग के बारे में बात करता है, कोई स्पेसिफिक पर्सन या कोई स्पेसिफिक थिंग। फॉर एग्ज़ाम्पल, He saw the doctor, meaning some particular doctor, कोई ख़ास डॉक्टर, हर कोई डॉक्टर नहीं, कोई ख़ास डॉक्टर जिसे वह जानता है या जिससे पहले मुलाकात हो चुकी है। Indefinite article, a or an. Use of a and an depends upon the sound of the word. The main thing to be kept in your mind is we have to notice the sound of the word. The sound of the word is very important when we talk about articles. Sound of the word, it precedes, yani jis word se pehle article lagaya jana hai uska sound dekhna zaruri hai. Before a word beginning with a vowel sound, agar koi word vowel sound se begin ho raha hai ya shuru ho raha hai, wahan par an ka use kiya jayega, jaise ki an ass, an enemy, एन इंक पैड, एन ऑरेंज, एन अम्ब्रेला। इन सभी वर्ड्स का पहला लेटर कुछ भी हो, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट थिंग जो है वो ये है, ये सभी वर्ड वोवल साउंड से शुरू हो रहे हैं, इस वजह से इन सभी के पहले एन लगाया गया है। एन एस, इस वर्ड में ये साउंड अ का यूज़ किया गया है, एस जो कि एक वोवल साउंड है, एनिमी भी एक वोवल साउंड है ए, और इंक पैड की जब हम बात करते हैं तो ये भी एक वोवल साउंड है ई, और हम सभी जानते हैं वोवल्स ए ई आई ओ एंड
यू दे आर कॉल्ड आर्टिकल्स। बट ये वोवल्स हैं, वोवल साउंड्स नहीं हैं। वोवल साउंड्स यू कैन लर्न वोवल साउंड बाई द वोवल्स ऑफ हिंदी लैंग्वेज। फॉर एग्जाम्पल अ आ ई ऊ ए आई। अगर कोई वर्ड्स इन साउंड से शुरू होते हैं तो उन सभी के पहले एन का यूज़ किया जाएगा। ऑरेंज ये भी ओ से शुरू हो रहा है जो कि एक वोवल साउंड है। अम्ब्रेला भी एक वोवल साउंड से शुरू होने वाला वर्ड है। इन सभी के पहले एन पुट किया गया है इसी वजह से। द आर्टिकल अ इज़ यूज बिफोर अ वर्ड बिगिनिंग विद अ कॉन्सोनेंट साउंड। और जो वर्ड कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होते हैं उन सभी के पहले अ लगाया जाता है। अका अजग और ये अ पेन एंड अ बुक। और ये चारों वर्ड क ज प और ब इनसे शुरू हो रहे हैं जो कि कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं। इसी वजह से इन सभी के पहले आर्टिकल अ पुट किया गया है। रिमेंबर आर्टिकल अ और एन ये दोनों ही सिंगुलर नाउन से पहले यूज़ किए जाएंगे। द भी सिंगुलर से पहले यूज़ किया जाता है बट इनके रूल्स हम जानेंगे। इट विल बी नोटिस दैट अ इज़ यूज बिफोर वर्ड्स लाइक अ यूनिवर्सिटी। अ यूनिवर्सिटी रिमेंबर द वर्ड यूनिवर्सिटी इज दो बिगन विद द लेटर यू। ये भले ही एक वोवल से शुरू होने वाला वर्ड है लेकिन इसका साउंड वोवल नहीं है। यूनिवर्सिटी ये यू से शुरू हो रहा है। अ यूनियन अ यूरोपियन अ यू अ यूनिकॉर्न अ यूजफुल आर्टिकल। दिस इज बिकॉज दीज वर्ड्स यूनिवर्सिटी यूनियन एट्सेट्रा बिगिन विद अ कॉन्सोनेंट साउंड, अ कॉन्सोनेंट साउंड ऑफ यू। सिमिलरली वी से अ वन रुपी कॉइन, अ वन रुपी कॉइन। अब वन भले ही वोवल से शुरू हो रहा है लेकिन वोवल साउंड से शुरू नहीं हो रहा है, इसी वजह से अ यूज़ किया गया है। वन रुपी जब हम बोलते हैं वन रुपी नोट वन, तो वन जो है व से शुरू हो रहा है ना कि ओ से। अ वन रुपी नोट अ वन रुपी कॉइन सच अ वन आइड मैन। बिकॉज वन बिगिन्स विद द कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट साउंड ऑफ डब्ल्यू व। इट विल ऑल्सो बी नोटिस दैट एन इज ऑफन यूज बिफोर द वर्ड्स बिगिनिंग विद एच। एज जो वर्ड्स एच से शुरू होते हैं लेकिन उनका साउंड वोवल है। फॉर एग्जाम्पल एन ऑनरेबल पोजिशन एन ऑनरेबल पोजिशन। दो दिस वर्ड बिगिन विद एच बट ही हैज़ अ वोवल साउंड। एन ऑनरेबल पोजिशन एन ऑनेस्ट मैन। दिस इज़ बिकॉज एच इज साइलेंट इन दीज वर्ड्स, क्योंकि यहाँ पर एच साइलेंट है। नाउ यूज ऑफ द डेफिनेट आर्टिकल, इट विल बी कंटिन्यू इन द नेक्स्ट सेशन।